बीपीएससी और कई एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखें। आपका पहला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 6.527%। आपका अगला प्रश्न है, एयरबस की योजना वर्ष 2026 तक पहला मेड इन इंडिया ब्लैंक पेश करने की है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी H125। आपका अगला प्रश्न है, किस देश ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अजरबैजान देश। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ब्लैंक महत्वपूर्ण उत्पादक कर हानि से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मानसिक स्वास्थ्य विकार से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने निजी संस्थानों और स्टार्ट अप्स के साथ किस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 72। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर किसे प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अभिनव बृंदा को। आपका अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा वाला रोबोट चेहरा विकसित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जापान देश। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मनोलो मार्केज को नियुक्त किया गया है। आपका अगला और लास्ट प्रश्न है, उस भारतीय ड्राइवर का नाम बताइए जिसने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कुशमैनी। ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक बात, हमारे चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।